तो छुट्टियां चल रही है और बोरियत का माहौल है, ऐसे में क्या करें समझ नहीं आ रहा था, तो डिसाइड किया कि चलो वेब सीरीज देख लेते हैं। पर यार कौन सी वेब सीरीज देखूं, समझ नहीं आ रहा। तो टेंशन मत लो यार, क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पे आ चुका है 2019 की टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज के लिस्ट को लेकर, जिसको कि एक बार तो देखना बनता है 2020 के आने से पहले, और तब और ज्यादा जब 2020 होने वाली है इतनी हैपनिंग। तो कैसे हो यार, लिस्ट को शुरू करने से पहले बोल दूं कि रैंकिंग मैंने अपनी ओपिनियन के हिसाब से की है, और ऐसा हो ही सकता है कि कुछ वेब सीरीज जो कि मेरे लिस्ट में कम रेटिंग पर हो, असल में आपके हिसाब से रेटिंग कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे आखिरी या फिर नंबर 10 पे जो वेब सीरीज मैंने रैंक की है वो है शाहरुख खान द्वारा प्रोड्यूस्ड पार्ट ऑफ ब्लड। मेन कैरेक्टर कबीर आनंद के रोल में इमरान हाशमी है, जो कि एक स्पाई का रोल कर रहे हैं। बार्ड ऑफ ब्लड एक पॉलिटिकल थ्रिलर वेब सीरीज है जो कि बेस्ड है सेम नेम किताब बार्ड ऑफ ब्लड से, जिसको कि ओरिजिनली बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है। ऑल्दो मुझे शिकायत ज्यादा तो नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स थोड़े बोरिंग लगते हैं, और जब तक कि फोर्थ एपिसोड नहीं आ जाता वो वेब सीरीज में कुछ भी ग्रिप होल्ड करने को नहीं है। वेब सीरीज के टोटल 7 एपिसोड जो कि ईच 45 मिनट्स के हैं। यह वेब सीरीज ऑल्दो मुझे नहीं पसंद आया, हो सकता है आपको पसंद आए, और यह IMDB में भी अच्छी रैंकिंग पर है। इसके बाद आता है सेक्रेट गेम्स सीजन 2, जिसको कि मैंने 9th नंबर पे रखा है, और ऑल्दो बहुत जन मुझसे एग्री नहीं करेंगे कि मैंने इससे इतनी लोअर पोजीशन दिया है, क्योंकि सीजन 1 इतना ही अच्छा हुआ था कि सीजन 2 के लिए मेरे एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही ज्यादा हाई थी। कंपेयर टू व्हिच सेक्रेट गेम्स सीजन 2 कुछ भी नहीं, बल्कि सारे ही कैरेक्टर्स की डिटेल स्टोरी निकली और मीम्स कंटेंट और कुछ भी नहीं। सेक्रेट गेम्स सीजन 2 का टोटल 8 एपिसोड था, जिसमें कि हर एपिसोड करीब 50 से 60 मिनट्स के थे। इसके बाद नंबर 8 पर जिसे मैंने रखा है वो है मेड इन हेवन वेब सीरीज, जो कि अवेलेबल है Amazon Prime पर, और उसके टोटल 9 एपिसोड्स है जो कि ईच 50 मिनट्स के करीब है। मेड इन हेवन स्टोरी है तारा और करण की, जो कि दोनों ही वेडिंग प्लानर का काम करते हैं और एक एजेंसी चलाते हैं जिसका नाम मेड इन हेवन। इसके हर एक एपिसोड में एक अलग वेडिंग सीन दिखाया गया है, और हर एक वेडिंग में क्या नया प्रॉब्लम आता है इसी को दिखाया गया है। मोस्ट प्रोबेबल है कि बहुतों को यह वेब सीरीज ना पसंद आए, बट श्योरली यह वेब सीरीज वर्थ वस्तु जरूर, और आपको यह वेब सीरीज एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। नंबर 7 पे मैंने रखा है हॉटस्टार का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज। वेब सीरीज में हमको कुछ बड़े बड़े नाम काम करते हुए दिखते हैं, जैसे कि विक्रांत मासे, पंकज त्रिपाठी और जैकी श्रॉफ, जिस कारण हमें बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और हर एक एपिसोड के बाद आपका इंटरेस्ट बिल्डअप ही हो और कहीं पे भी जाके आपका वो इंटरेस्ट लूज नहीं होगा। क्रिमिनल जस्टिस के टोटल 10 एपिसोड, जिसमें से कि हर एक एपिसोड का लेंथ करीब करीब 45 से 50 मिनट्स का है। तो नंबर 6 वेब सीरीज की बात करें तो इस पोजीशन पे मैं 2 वेब सीरीज को रखना चाहूंगा, पहला है फ्लेम्स सीजन 2 और दूसरा है इमैच्योर। दोनों ही वेब सीरीज आते हैं TVF के तरफ से, और दोनों ही डील करते हैं स्टूडेंट लाइफ के लव एक्सपीरियंस के प्रॉब्लम। इमैच्योर जहां कहानी है ध्रुव और छवि की, जो कि दोनों ही स्कूल्स में पढ़ते हैं, और ध्रुव को आ जाता है छवि पर क्रश। वही दूसरी तरफ फ्लेम्स सीजन 2 एक्सटेंड करती है फ्लेम्स सीजन 1 की स्टोरी को, जहां पर रजत, इशिता, पांडू और अनुषा के बीच कुछ अनबन हो गई है। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमने रखा है दिल्ली क्राइम्स को। यह वाली वेब सीरीज बेस्ड है 2012 दिल्ली गैंगरेप केस पर, जिसमें कि हमको एक डिटेल इनसाइड दिया गया है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, इस केस को सॉल्व करने में आखिर क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वेब सीरीज बहुत ही ग्रिपिंग है, पर कुछ जगह पर थोड़ी थोड़ी लूज लगती है और कुछ सीन्स थोड़े ढीले भी लगते हैं, बट वर्थ वॉच जरूर है। दिल्ली क्राइम्स के टोटल 7 एपिसोड जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पर। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करें तो हमने यहाँ पे रखा है होटल डेज, जो कि फिर से TVF का ही ब्रेन चाइल्ड है। होस्टल डेज टोटल 5 एपिसोड का मिनी वेब सीरीज है, जिसमें कि हॉस्टल लाइफ के ताने बाने को बड़ी बारीकी से अच्छे से दिखाया गया है। सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप, आपस मस्ती और बदमाशियों, साथ ही हॉस्टल लाइफ के सभी एस्पेक्ट को कवर किया गया है इसमें। इसका डिटेल रिव्यू अवेलेबल है ऊपर कार्ड पे, चाहे तो आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो नंबर 3 पे है फैमिली मैन, जिसको कि लाता है Amazon। इसके टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड करीब करीब 45 से 1 घंटा के बीच रेंज करता है। फैमिली मैन स्टोरी है श्रीकांत तिवारी की, जो कि एक अंडरकवर स्पाई है, पर प्रॉब्लम तब आता है जब उनका प्रोफेशनल लाइफ उनके पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करने लगता है। तो दूसरे नंबर पे हमने रखा है क्यूबिकल्स को, जो कि हाल में ही TVF के तरफ से ही रिलीज किया गया है और ऑडियंस ने भी इसे बहुत ही पसंद किया है। क्यूबिकल्स दिखाती है ऑफिस लाइफ के इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। एक आदमी जब पहली बार ऑफिस में जाता है, उसका क्या थॉट्स होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, यही है क्यूबिकल का मेन प्लॉट। डेफिनेटली एक मस्ट वस्तु जरूर है, और मैं बता दूं इतने शॉर्ट टाइम में ही IMDB में भी इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है। तो इसी के साथ हमने टोटल टॉप 9 लिस्ट ऑफ वेब सीरीज ऑफ 2019 को देख लिया है। और इससे पहले कि मैं नंबर 1 वेब सीरीज की बात करूं, बात कर लेते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशन, जिसमें आते हैं वेब सीरीज लाइक गुल्लक, टाइपराइटर, इनसाइट एज, अब है,
होस्टेजेस, मेट्रो पार्क, फाइनल कट, ब्रोकन, ट्रिपलिंग जैसे वेब सीरीज, तो ऑब्वियसली नंबर वन वेब सीरीज गेस करना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। एज पर आईएमडीबी रेटिंग भी यह वेब सीरीज नंबर वन पर ही रैंक कर रहा है और आता है टीवीएफ के ही तरफ से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोटा फैक्ट्री की, और मैं जानता हूँ कि आपने यह वेब सीरीज ऑलरेडी देख रखी हो, तो इस वेब सीरीज का इंट्रोडक्शन देना मुझे नहीं लगता जरूरी है। और अगर आपने सच्ची में कोटा फैक्ट्री अभी तक नहीं देखी है तो भाई मैं आपको बता दूं कि स्टोन एज कब की खत्म हो गई है। तो यह था मेरा टॉप 10 लिस्ट ऑफ बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2019, जिसको कि आपने 2020 से पहले एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। तो कैसा लगा यह लिस्ट, और अगर मैं कुछ लिस्ट में ऐड करना भूल गया हूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सब care.